Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 7, which is from language structure. I request you all to take out page number 28, which was the remaining part of chapter 3 of this book. Today we are going to learn noun case. A noun may be used as subject or object of a verb to show the position. So we say that the noun is in the nominative, objective or possessive case. नाउन सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और पोजिशन शो करने के लिए भी यूज़ हो सकता है. तो हम कह सकते हैं नाउन जो है नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पोजिशन केस है. नॉमिनेटिव केस व्हेन अ नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि जब हम कहते हैं कि नाउन जो है हमारा कर्ता है तो नाउन क्या हो जाता है, नॉमिनेटिव केस. जैसे सोनाक्षी बॉट अ गोल्ड एंकलेट. सोनाक्षी एक गोल्ड एंकलेट लेके आई. कौन लेके आई? सोनाक्षी. सोनाक्षी नाउन है, प्रॉपर नाउन है. अब क्योंकि नाउन है हमारा सब्जेक्ट है तो इसलिए वो नॉमिनेटिव केस हो गया. ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, व्हेन अ नाउन इज यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस. सोनाक्षी बॉट अ गोल्ड एंकलेट. दोबारा मैं ये सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ. अब सोनाक्षी जो था वो आपका नॉमिनेटिव केस था और यहाँ पे जो गोल्ड एंकलेट, एंकलेट जो है ऑब्जेक्ट में है. क्या लेके आई? एंकलेट. एंकलेट नाउन है, ये आपका एक कॉमन नाउन है और इसलिए ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया या हम इसे एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं. एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस फाइंड आउट करने के लिए व्हाट या हुम से क्वेश्चन बनाते हैं. किसे क्वेश्चन बनाते हैं? व्हाट या हुम से. पोजेसिव केस, व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन और इंडिकेट्स द ओनर ऑफ समथिंग इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस. निशा लॉस्ट हर ब्रदर्स यूएसबी केबल. जब नाउन जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उससे पोजेशन शो कर सकें, यानी कि ये बता सके कि कोई जो नाउन है वो किसे बिलोंग कर रही है, तो वो हो जाता है हमारा पोजेसिव केस, यानी कि पोजेशन. पोजेसिव केस यानी कि नाउन ऑफ पोजेशन. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एपोस्ट्रॉफी और एस के बारे में, जब हम नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस लगा देते हैं तो वो हमारा पोजेसिव केस हो जाता है. जैसे दिस इज़ माई फ्रेंड्स मोबाइल कवर, ये मेरे फ्रेंड का मोबाइल कवर है. एपोस्ट्रॉफी इज यूज टू शो पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी. जो हम हल्का सा कॉमा ऊपर लगाते हैं उसे हम लोग एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं. अदर फंक्शन ऑफ पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन आर, ये शो करता है रिलेशनशिप को, क्वालिटी को, फिर टू शो द पार्ट ऑफ समथिंग, फिर टू शो द डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट. यानी कि जैसे क्वींस सन, क्वीन का बेटा, बॉयज़ काइंडनेस, लड़के की दयालुता, जेरीज बटन, जेरी का बटन, चिल्ड्रेंस फुटवेयर, बच्चों के जूते. फॉर्मेशन कैसे करते हैं पॉजिटिव केस की? फॉर्मेशन करने के लिए सिंगुलर के साथ जो एस पे ख़त्म ना होते हों उन्हें हम एपोस्ट्रॉफी और एस लगा देते हैं. सिंगुलर नाउन एंडिंग विद एस वी यूज बोथ. एपोस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं खाली और एपोस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं. जैसे क्रॉस, मिस्टर क्रॉस कार, मिस्टर क्रॉस कार, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं या इस तरीके से लिख रहे हैं दोनों ही सही हैं, दोनों को हम गलत नहीं कह सकते हैं. विद अ प्लूरल एंड्स एंड एस वी ऐड ओनली एपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस. अगर कोई प्लूरल नाउन है और जो एस पे ख़त्म हो रहा है उसमें केवल हम लोग एपोस्ट्रॉफी ऐड करते हैं, हम लोग कुछ और ऐड नहीं करते. We use apostrophe s with living things only. Non-living things के साथ हम लोग use नहीं करते हैं, केवल जीवित वस्तुओं के साथ use होता है, non-living के साथ ये use नहीं होता है. Sometimes we may personify an object and treat it as living being. In that case we can use an apostrophe. His fool's progress. यानी कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु को एक जीवित इंसान का रूप देते हैं, कि प्रोग्रेस हम जानते हैं किसी व्यक्ति की ही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम स्कूल की प्रोग्रेस की बात करें, यानी कि हमने उसे एक जीवित इंसान का रूप दिया है, तो हम उसके साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़
कर सकते हैं. द विंग्स ऑफ, अब आगे केस हमें पोजेसिव फॉर्म यूज करना है तो हम लिखेंगे अ ग्लाइडर्स विंग्स. द शॉप ऑफ द बेकर, द बेकर्स सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा है. अ बेक द बेकर शॉप. फिफ्थ द हीटिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन, द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम. आई हैव डन थ्री फॉर यू एंड रेस्ट ऑफ द थ्री यू हैव डू इट योर सेल्फ. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. And wait for my next video in which I will teach you chapter number 4, pronouns. First read it yourself, at least do the introduction. As you know what type of introduction I'm telling you to write, you have to write the definitions of pronoun, its kinds, and with an example of each. Till then, stay home, stay safe, and revise well. Bye.